अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर हुआ है आज हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो एमसीक्यूज जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो आपके साथ डिस्कस करना है, और आज का जो पेपर इस्लामियात इंस्ट्रक्टर का जो हुआ है वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। तो चलते हैं आज के इस पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन था, हु वाज द दिल्ली सुल्तान हु इम्पोज अटैक्स ऑन ब्राह्मण्स। वो कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मण्स पर टैक्स आयद किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सुल्तान फ़ेरोज़ शाह तुगलक। नेक्स्ट, 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होल्ड एट, 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे मुनक़िद हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डेवस स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट, नेशनल असम्बली सीट एट द टाइम ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 210 यानी 210। नेक्स्ट, 2022 विंटर ओलंपिक्स प्लेड इन विच कंट्री। 2022 विंटर ओलंपिक कौन सी मुल्क में खेली गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बीजिंग चाइना। नेक्स्ट, आफ्टर पार्टीशन हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट जॉइन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 13। पार्टीशंस के बाद 13 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने पाकिस्तान को जॉइन किया था। नेक्स्ट, नोमैडिक रिलेटेड टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था आइटिनरेंट। नेक्स्ट, दंग पर कदम किसने लिखी, ये किताब किसने लिखी दंग पर कदम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बेगम अख्तर रियाज। नेक्स्ट, हु सॉन्ग एंड हु राइट ए वतन प्यारे वतन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था अमानत अली खान। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ पंजाबी स्पीकिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पंजाबी बोलने वालों की परसेंटेज कितने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 39%। नेक्स्ट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, इसमें यूएसए भी था, रशिया भी था, क्यूबा भी था, और नीचे डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, पीपल इन इंग्लैंड डाइड इन 1952 ड्यू टू, इंग्लैंड में 1952 में लोग किस चीज़ की वजह से मरे थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था द ग्रेट स्मोक। नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड सिक्स पॉइंट फार्मूला, सिक्स पॉइंट फार्मूला किसने प्रेजेंट किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट, इफ 42 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज हाउ मैनी कैन डू द सेम वर्क इन 21 डेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 36 वामेन, 36 वामेन। मैंने ये सारे एमसीक्यूज मैथ्स के जो एमसीक्यूज है मैंने बड़े डिटेल से किया है तारा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे। तारा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे हर किस्म के एमसीक्यूज मौजूद है। अगर आप टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो तारा एमसीक्यू यूट्यूब को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह आपको बरवक्त जो न्यू अपडेट है जॉब्स की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा तारा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन एरोप्लेन और हंगर। तो नीचे ऑप्शंस में ऑप्शन दिया गया था ट्रेन एंड स्टेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रेन एंड स्टेशन है। एरोप्लेन हंगर में जो है वहाँ पे खड़ा करते हैं, और ट्रेन का जो खड़े होने की जगह है वो स्टेशन है। नेक्स्ट, एरोप्लेन के खड़े होने की जगह को हंगर कहते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पाकिस्तान डैश किलोमीटर वाइड फ्राम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 885 किलोमीटर। नेक्स्ट, उमर दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, ये किसका शहर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बहादुर शाह जफर का। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट द अंडरलाइन वर्ड इज, ये बार्किंग जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से इसका ताल्लुक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था एडजेक्टिव। बार्किंग एज एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। ये था जनरल नॉलेज का पोर्शन, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है आपके साथ जो आज का पेपर हुआ है 27 जुलाई 2024 को इस्लामियात इंस्ट्रक्टर का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह। हाफिज़।